पर ही है कि CFNM क्या होता है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कुछ नई जानकारी आपको इसमें मिलेगी, आपको जानकर बहुत ही मजा आएगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो का मकसद सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन देना है, वो लोग जो इसके बारे में जानना चाहते हैं। तो CFNM का मतलब होता है क्लोथ फीमेल एंड नेक द मेल। अगर मैं अपनी लैंग्वेज में बोलूं स्ट्रेट अवे तो इसका मतलब होता है नंगा नंगा वाला गेम, जिसमें चार लड़कियां कपड़े पहने हुए होती हैं और जो उनके सामने लड़का होता है वो न्यूड होता है ना। इंटरेस्टिंग, खुद सोचो, इमेजिन करो कितना इंटरेस्टिंग है कि चार लड़कियों ने एक लड़के को नंगा करके खड़ा कर रखा है। ये एक तरह की ग्रुप एक्टिविटी होती है जिसमें जो लड़कियां होती हैं वो कपड़े पहने हुए होती है और जो उसके सामने जो लड़का होता है वो न्यूड खड़ा होता है, वो अपनी मर्जी से न्यूड खड़ा होता है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती उसके साथ। या ये कह लो कि वो जो न्यूड लड़का होता है खुद की शर्म और हया को बचाते हुए मन ही मन में न्यूडिज्म की फैंटेसी को एंजॉय कर रहा होता है, अपने उस एक्साइटमेंट लेवल को एंजॉय कर रहा होता है जो उसके दिलो दिमाग में उस वक्त चल रहा होता है। अब बात है कि वो लड़का एंजॉय क्यों कर रहा होता है, क्योंकि जनरली तो ऐसा नहीं होता। आप खुद ही सोचो ना, अगर आपको चार लड़कियों के बीच में खड़ा कर दिया जाए नंगा तो आपको एम्बैरेसमेंट फील नहीं होगी? आपको मन ही मन में ऐसा नहीं लगेगा यार क्या मेरे साथ क्या हो रहा है ये? लेकिन वहां वो लड़का एंजॉय कर रहा होता है, उसे मजा क्यों आ रहा होता है? तो इस चीज को समझने के लिए, इस साइकोलॉजी को समझने के लिए मैं आपको अब आपके बचपन में लेके चलूंगी। चलोगे? याद करो अपने बचपन के दिन कि जब 2 सेकंड नहीं लगते थे कपड़े उतारने में, बारिश आई और फटक से कपड़े उतारे और नहाना शुरू, कोई परवाह नहीं कि कौन देख रहा है, क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा। इनफैक्ट जब छोटे छोटे हम उम्र के बच्चे होते थे तो मम्मियां साथ में ही नहला दिया करती थी, एक ही बाथरूम में पता लग रहा है बहन भी नहा रही है, भाई भी नहा रहा है, कजन भी नहा रहा है, सब नहा रहे हैं और ऊपर से शॉवर चल रहा है, पाइप है तो पाइप से नहाने की बजाय एक दूसरे के ऊपर पानी डाल रहे हैं, अगर जग है मतलब नहाने के लिए बकेट है पानी है तो एक दूसरे के ऊपर उड़ेल रहे हैं। होता था नहीं होता था, लेकिन अब होता है। तो देखो ये तो मजे तब के हैं जब वो बच्चा होता है, खुद भी नंगा होता है, मजे मजे में दूसरों को भी नंगा करता है, उसकी चड्डियां उतारता है और मजे लेता है, छेड़खानी करता है। लेकिन जब धीरे धीरे उम्र का पड़ाव बढ़ता है और थोड़ी सी समझ आना शुरू होती है तो वो खुद को भी बचाना शुरू करता है, ढकना शुरू करता है, और कोई नंगा दिख जाए तो उसे भी 2 बातें बोलता है। अब आप खुद सोचो कि वो अडल्ट मेल, वो आदमी जो कि पिछले 15-20 साल से किसी के सामने न्यूड हुआ ही नहीं है, नी वस्त्र हुआ ही नहीं है, और उसे अचानक से न्यूड कर दिया जाए तो उसे कैसा फील होगा? कि मान लो कोई मेल वॉशरूम से नहाकर निकलता है और उसने टॉवल लपेटा हुआ है और हाथ में उसके चाय या कॉफी का ग्लास है, मतलब किसी ने लाके उसे दिया कि ये लो चाय पियो, उसने पकड़ लिए दोनों हाथ उसके बंधे में, अचानक से उसका टॉवल कोई खींच ले और खींचने वाली उसकी वाइफ, उसका बच्चा या फिर कोई उसका जानने वाला, उसका दोस्त, कोई स्ट्रेंजर भी हो सकता है, तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन कैसे होंगे? रंग उड़ेगा नहीं उड़ेगा उसका? एक अजीब सी टेंशन, एम्बेरसमेंट, एक्साइटमेंट, एक अजीब सी फीलिंग्स होगी या नहीं होगी? अपने ऊपर इमेजिन करके देखिए कि अगर आपके साथ कोई ऐसी चीज हो जाए तो आप कैसा फील करेंगे। इस उम्र के पड़ाव में आके आपको कोई नंगा कर दे और आपको पता ही नहीं, आप टॉवल खींच दे, आपको कैसा फील होगा? एम्बेरसमेंट, एक्साइटमेंट, नर्वसनेस, तीनों का मिश्रण आपके चेहरे पे देखने को मिलेगा। आप अगर थोड़ी देर बाद कपड़े पहन भी लोगे ना तो काफी देर तक तो खुद को नंगा ही समझ रहे होंगे, आपको ऐसे ही लग रहा होगा शायद आपने कपड़े पहने ही नहीं है। तो जो लोग इस फीलिंग को, इस एक्साइटमेंट को, इस नर्वसनेस को बार बार इंजॉय करना चाहते हैं, वो इसे फील करना चाहते हैं, उनको अच्छा लगता है, वो लोग इस CFNM, इस एक्ट का, इस ग्रुप एक्टिविटी का हिस्सा बनते हैं। सबके लिए नहीं है, जो लोग इस चीज को पसंद करते हैं। लेकिन इसके रूप अलग हो जाते हैं, इसके तरीके अलग हो जाते हैं। जैसे वो लोग जो BDSM को बेहद पसंद करते हैं, जब वो लोग CFNM पार्टी अरेंज करते हैं तो उनकी पार्टी में सिर्फ और सिर्फ ह्यूमिलेशन, टॉर्चर और गुलामों वाले एक्ट किए जाते हैं। लाइक 4-4 फीमेल का ग्रुप सूट बूट पहने हुए और एक एक सबमिसिव मेल, और वो फीमेल उनको डोमिनेट करती है, ह्यूमिलेट करती है, टॉर्चर करती है। वो सबमिसिव मेल उनको ड्रिंक भी सर्व करता है, वेटर का काम करता है। इस BDSM एक्ट में ये CFNM एक तरह की पार्टी तो जरूर होती है, लेकिन इस पार्टी में वो सबमिसिव मेल
उनकी मर्जी के बिना ना कुछ खा सकता है ना ही कुछ पी सकता है। यहाँ पर सेक्सुअल एक्टिविटी तो होती ही नहीं है। यहाँ पर उस सब में से मेल को न्यूड करके उसे ह्यूमिलेट किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, जिसे वो जो मेल है वो इंजॉय करता है। दूसरा, अब कुछ फीमेल ऐसी होती है जो पैसे की धनी होती है। मान लो कि हस्बैंड है, ज्यादातर बिजी रहता है, आउट ऑफ स्टेशन रहता है, कभी किसी बिजनेस ट्रिप से तो कभी किसी बिजनेस ट्रिप से, बच्चे जो है वो हॉस्टल में पढ़ते हैं, खुद खाली है, वेल्ली है, पैसा ही पैसा है, करे तो क्या करे। तो ऐसे लोग CFNM पार्टी अरेंज करती है, इनका अपना ग्रुप होता है, वो CFNM पार्टी अरेंज करती है, जिगोलो सर्विसेज हायर करती है। अब वहां पे वो जिगोलो जो लड़के होते हैं, जो मेल होते हैं, उनको वो न्यूड भी करती है, लेग्ड करके उनसे मजे लेती है। यहाँ पर भी सेम वही चीज होती है, चार चार फीमेल्स का ग्रुप होता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, लाइक चार फीमेल वहां पे और एक मेल उनके पास, चार फीमेल वहां पर एक मेल उनके पास जो कि न्यूड पोजीशन में है, उनसे वो खूब मजे लेती है, उनके डिप को सक करती है, सक करके छोड़ देती है, इरेक्ट करके छोड़ देती है। वो जो नेक्ड मेल होता है उन्हें एंटरटेन करता है, इसी चीज के वो चार्ज करता है। अब वो CFNM पार्टी चाहे 4 घंटे की हो या 8 घंटे की, दिन की हो या रात की, वो जो मेल है वो तो उनके साथ बंध गया, वो न्यूड पोजीशन में उनको पूरे दिन पूरी रात जितने घंटे के लिए वो बंधा हुआ है एंटरटेन करेगा। यहाँ पर हर फीमेल अपने अपने तरीके से उनसे मजे लेती है। कोई फीमेल तो फ्रॉटेज करती है, मतलब अपनी बॉडी को उसकी बॉडी से रगड़ती है, फ्रॉटेज करती है, तो कोई हैंड जॉब देती है, तो कोई ब्लोजॉब देना पसंद करती है, कोई सक करती है, कोई मैस्टरबेट करती है, मतलब जो चाहे वो कर सकती है, उसके वो उन्हें चार्ज करती है, पे करती है। अब एक तरीका होता है लाइफस्टाइल वालों का, वो लोग जो कि लाइफस्टाइल को एंजॉय करते हैं, लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं, जो लाइफस्टाइल कपल कहलाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही एक्सपेरिमेंटल नेचर के होते हैं, तो इनको तो वैसे भी मौका चाहिए होता है अपनी जिंदगी में तड़का लगाने का या रंग भरने का। तो जब ये लोग CFNM पार्टी अरेंज करते हैं तो इनका जो तरीका होता है वो बिल्कुल अलग होता है। ये अपने सेक्सुअल प्लेजर को एनहांस करने के लिए इस तरह की पार्टी अरेंज करते हैं। यहाँ पर कोई ह्यूमिलेशन, टॉर्चर और ये जिगोलो टाइप की चीजें नहीं चलती, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्लेजर प्लेजर और एंजॉयमेंट होता है। यहाँ पर सिर्फ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ कुछ लाइक माइंडेड जो कपल्स होते हैं वो CFNM पार्टी को अरेंज करते हैं। यहाँ पर कुछ थीम एक्ट दिए जाते हैं, जैसे कोई नेक्ड मेल को कुछ फीमेल्स ने एक्ट दे दिया कि भाई आप वेटर बनकर नेक्ड पोजीशन में सबको सर्व करोगे ड्रिंक। इसी तरह से एक्ट दिया जाता है कि अब आप न्यूड होकर हॉट सेक्सी डांस करोगे और हम लोगों को एंटरटेन करोगे, या फिर आप पोल डांस करोगे। उन्हें न्यूड होकर मॉडलिंग करने का एक्ट भी दिया जा सकता है। तो ये सारी वैरायटी इसमें पाई जाती है जिसे वो लोग एंजॉय करते हैं। ये बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है, एक तरह की ग्रुप एक्टिविटी होती है। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इन तीनों दिन में से कोई एक दिन फिक्स कर लिया जाता है और वो लोग ये CFNM पार्टी को अरेंज करते हैं और एंजॉय करते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया CFNM पार्टी मतलब क्लोथ फीमेल और नेक्ड मेल, सेम इसी तरह से CMNF पार्टी भी होती है जिसमें क्लोथ मेल होता है और नेक्ड फीमेल होती है, मतलब जिसमें लड़के कपड़े पहने हुए होंगे, 4-5 लड़कों का ग्रुप होगा और एक लड़की न्यूड होगी। उसमें भी ग्रुप्स होते हैं कि 4 लड़कों का ग्रुप ये, 4 लड़कों का ग्रुप ये, एक लड़की वहां पे न्यूड, एक लड़की वहां पर न्यूड। तो इस तरह से वैरायटी पाई जाती है इसमें, ये चीजें बदलती रहती है मूड के हिसाब से। लास्ट में देखो यही कहना चाहूंगी कि वो जिगोलो जो कि CFNM पार्टी का हिस्सा बनते हैं, जो वहां पर जाते हैं, किसी को मजबूरी हो सकती है, पैसे का अभाव हो सकता है, या फिर किसी की चाह हो सकती है कि वो वहां पर जाना पसंद करते हैं, सेम इसी तरह से वो लोग जो कि BDSM लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं, जब ये लोग CFNM पार्टी अरेंज करते हैं तो ये उनके आपस की अंडरस्टैंडिंग होती है, मतलब जो डोमिनेट करना चाहता है और जो डोमिनेट होना चाहता है उनकी आपस की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर ये एक्ट किया जाता है। देन लाइफस्टाइल, वो लोग जो कि लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं उनके लिए CFNM पार्टी एक अलग तरह का एक्सपीरियंस है, जैसे वो और चीजों को एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, अपने जिंदगी में रंग भरते रहते हैं, सेम अनदर तरह का एक्सपीरियंस उनके लिए होता है। तो अपने अपने तरीके हैं, अपने अपने हिसाब से जिंदगी को जीने के लिए, जिसको जो सूट करता है वो उस तरीके से जीता है। तो ये था मेरी तरफ से फुल डिटेल CFNM को लेकर। होप्स आपको वीडियो पसंद आया हो। सो थैंक यू सो मच।